साथियों, गुलामी का इतना बड़ा कालखंड भी बंगाल की क्षमता, बंगाल के सामर्थ्य को कम नहीं कर सका था। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, वो मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। इन 25 वर्षों की शुरुआत का पहला पड़ाव ये विधानसभा चुनाव है। अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, इसी सोच से आगे बढ़ेगी।